हेलो बेबी। हेलो पापा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स, यस। तो सबसे पहले आता है बिग और स्मॉल। सो बिग का ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल, यस। ये क्या है? बिग। और ये क्या है? स्मॉल। बहुत अच्छे। तो बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। छोटा बड़ा, यस। तो ये हो गया बिग और ये है स्मॉल, ठीक है। अब बारी आती है हॉट एंड कोल्ड की। तो हॉट का मतलब क्या होता है? गरम। ये देखो, गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। गरम गरम, इसे छुओगे तो गरम लग जाएगा। ठंडा पानी। बैठो 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 बैठो। ये देखो, ये है गरम गरम, यस। और कोल्ड क्या होता है? कोल्ड होता है ये आइस। ये देखो, इसको आइस को गिरा दो, यस। ये देखो, ये है कोल्ड। ये देखो, ये ऐसे आइस हम निकालेंगे, तोड़ दो, यस। ये देखो दोस्तों, ये है कोल्ड। तो हॉट का उल्टा क्या होता है? बताओ बताओ, हॉट का। कोल्ड। बहुत सुंदर। गरम। हॉट मतलब होता है गरम और कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठीक है। तो अभी हमने सीखा हॉट एंड कोल्ड। अब हम सीखेंगे टॉल एंड शॉर्ट। टॉल का मतलब होता है लंबा, लंबा। और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। तो ये है टॉल एंड शॉर्ट, दोनों है कोम। ये क्या है? कोम और शॉर्ट, यस। ये है कोम, इसे हम हिंदी में कहते हैं कंघी, जिससे तुम ऐसे अपने बाल को झाड़ती हो, है ना? फिर मैं ऐसे अब लेन जाती हूँ, यस। तो ये हो गया टॉल और ये हो गया शॉर्ट, लंबा और छोटा, ठीक है। लंबा छोटा, यस। अब हम बात करेंगे ओपन और क्लोज की। तो ये है ओपन, ये देखो, ये है ओपन, ये है क्लोज। ओपन मतलब खोलना, क्लोज मतलब बंद हो जाना, ठीक है। ये क्या है? ओपन। ये क्लोज। सो ओपन का ऑपोजिट क्या होगा? क्लोज। बहुत सुंदर। अब बारी आती है इनसाइड और आउटसाइड की। तो उसके लिए हम लेकर आते हैं ये ग्लास और ये फ्रेंच फ्राइज। अब ये फ्रेंच फ्राइज इस ग्लास के अंदर गया, तो फ्रेंच फ्राइज इज इनसाइड द ग्लास। ये ग्लास के अंदर, इनसाइड, ठीक है। और ये जब बाहर आया तो हो गया आउटसाइड। फ्रेंच फ्राइज इज आउटसाइड द ग्लास, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। हार्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि ये ऑपोजिट है। ये देखो, ये इनसाइड, ये ठंडा, ये गरम। हाँ, ये है इनसाइड, इनसाइड द ग्लास। फ्रेंच फ्राइज इज इनसाइड द ग्लास। फ्रेंच फ्राइज ग्लास के अंदर है, ठीक है। और फ्रेंच फ्राइज इज आउटसाइड द ग्लास, मतलब फ्रेंच फ्राइज ग्लास के बाहर है, ठीक है। सो इनसाइड का उल्टा क्या होगा? अब किसके बारे? इनसाइड का ऑपोजिट क्या होगा? आउटसाइड। बाहर आएगा, अंदर चली जाएगा, यस। अब हम बात करेंगे हेवी और लाइट की। ओ, ये तो बहुत हेवी है। ये है हेवी। पापा, इसको खोल दो। इसे खोलेंगे बाद में। इसे उठा के देखो, ये तो बहुत ही हेवी है। हेवी मतलब भारी। और यस, वो तो बहुत ही हेवी है। और ये क्या है? ये तो बहुत ही लाइट है। ये तो बहुत ही हल्का है। तो हेवी का मतलब हो गया भारी। अरे, ये तो बहुत ही हेवी है, उठाओ उठाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा हेवी है। ये हो गया भारी। और ये क्या है? हल्का। ये है हल्का। तो भारी चीजों को हमें उठाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तुम उठा के देखो। यस, और हल्की चीजों को हम आराम से उठा लेते हैं। तो हेवी का उल्टा क्या होगा? लाइट। बताओ बताओ, हेवी का उल्टा क्या होगा? लाइट। बहुत बढ़िया। अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है वेट और ड्राई की। तो जब कोई चीज पानी से भीग जाता है तो उसे हम कहते हैं वेट। तो ये देखो, अगर इस पे हम ऐसे पानी डालेंगे, ये देखो, ये इस पे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तो ये हो गया वेट। द प्लेट इज वेट, क्योंकि इसमें पानी है, ठीक है। और इसमें पानी नहीं है तो ये है ड्राई। तो वेट का मतलब हो गया गीला और ड्राई का मतलब हो गया सूखा, ठीक है। तो वेट का उल्टा क्या होता है? सीधा।
वेट का उल्टा होता है ड्राई। ड्राई, ठीक है। तो अब बारी आती है फ्यू और मैनी की। तो फ्यू के लिए हम लेकर आते हैं ये टॉय। ये है फ्यू, मतलब बहुत कम, थोड़े से, ठीक है। और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। तो ये है फ्यू और ये है मैनी, ठीक है, समझ गई। फ्यू का उल्टा क्या होगा? उल्टा सीधा। नहीं, फ्यू में, फ्यू का मतलब होता है थोड़े से और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। लाओ 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 ला, वो दो 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 दो। तो फ्यू का उल्टा होता है मैनी, ठीक है। और अब बारी आती है हैप्पी और सैड की। तो तुम हैप्पी कैसे होती है? जब तुम हैप्पी होती है तो क्या करती हो, बताओ बताओ। सिल्वर टेडी बियर लेती हूँ। यस, हैप्पी कैसे हंसती हो, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ।